अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों का लास्ट वीडियो में इतना ज़बरदस्त फीडबैक मिला फार्म की, जब मैंने अपडेट दी थी बहुत जल्दी थी, उसके लिए माजरत, लेकिन मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा। तो मैंने सोचा उसमें काफ़ी कमेंट्स जो है ना मेरे पास आए थे, वैसे तो माशाल्लाह 250 से ऊपर माशाल्लाह कमेंट्स उस पर हो गए हैं माशाल्लाह, मगर उसमें काफ़ी कुछ सवालात के हवाले से कुछ सवालात ऐसे थे कि सोचा कि फिर मैंने वीडियो भी बना लूँ उस पर भी। दूसरा ये कि मज़ीद तरीके से और अपडेट दे दूँ। उस दिन बहुत जल्दी थी, शाम हो रही थी, मैंने कहा भी था कि इंशाल्लाह वीडियो जो है ना मैं तरीके से सारे जानवरों की आपको बना के जो है दिन की रोशनी में अच्छे तरीके से दिखाऊँगा। तो उससे पहले भाई रमज़ान मुबारक तरीके से मैंने अल्लाह माफ़ करे किया नहीं था, क्योंकि मेरा प्लान था कि पहले रमज़ान में रोज़े से पहले यहाँ आके या तो लाइव करके या वीडियो बना के आप लोगों के साथ रमज़ान की मुबारकबाद करें, लेकिन वो हो नहीं सका। अनफॉर्चुनेटली मेरी बाइक का इशू हो गया था तो मैं यहाँ नहीं आ सका था, तो ये थी वजह, और तो इसलिए माजरा उस पर। बाकी ये कि तमाम दोस्तों को जिनसे अभी तक बातचीत नहीं हुई थी, तो उन सबको जो है रमज़ान मुबारक। तो आज जो है वो वीडियो असल है कि फार्म की अपडेट, उसके साथ साथ जो कमेंट्स आप लोगों के इतनी मोहब्बत आई थी, तो सोचा कि है ना क्यों ना आपके जो है वो साथ उसको शेयर करें, हो सकता है आपको भी उसमें इन्फो मिले। बाकी ये कि जानवर आपके साथ जो है ना वो वीडियो में चलते रहेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले हमारे पास कमेंट आया था आबिद हनान ऑफिशियल जो चैनल है उसमें से वेटिंग का आया था, उन्होंने जो है ना वो मैंने प्रीमियर की थी उस वीडियो को, तो बहुत शुक्रिया सर आप जो है ना। बाकी ये कि शकीब भाई का कह रहे थे VIP माशाल्लाह, और उन्होंने शकीब अनवर एक जो है उन्होंने कहा भाई वीडियो के दौरान रेट्स भी बताओ। तो देखें रेट्स तो मैं तब बताऊँ जब मेरे पास कोई सेल के जानवर हो, तो सेल के लिए मैंने वीडियो वो बनाई नहीं थी, तो मैंने उसमें कोई भी जानवर ये नहीं बताया कि ये सेल के लिए है या अवेलेबल है, तो इसलिए तो मैं वो तो नहीं थे रेट्स। बाकी ये है कि उसके अलावा जो नाइस बैल करके अयान फैजी का आया, फिर है मोहम्मद उवैस भाई जो काफ़ी कमेंट्स चैनल पे करते रहते हैं, तो कहते हैं माशाल्लाह मलीर वाला बछड़ा एंड हो रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। जैन होम हाई करके आया, शकीब अनवर का है बताओ, फिर है आतिफ जवेरिया माशाल्लाह करके आया उनका, थोड़ा स्क्रीन पे सही दिख नहीं रहा उसके लिए माजरत। बाकी है कि शकीब अनवर का फिर वही बताओ भाई, वो समझ रहे थे मैं सिर्फ उस टाइम लाइव हूँ, हालांकि वो प्रीमियर था और लाइव चैट अलग चल रही होती है, वो कमेंट मुझे कर रहे थे अलग से। अच्छा, वसूक रेहान कह रहे थे मेरा बकरा के बाल बढ़ाई के कर, समझ नहीं आया कमेंट क्या था। बहरहाल साद यूसुफ़ का माशाल्लाह माने भाई, जेबुलनिसा करके नाम है उनका है, सलाम वालेकुम सलाम मानी भाई, आप मेमन गोट आए, तो मैं भी मेन गोट जाता रहता हूँ। मोहम्मद उवैस भाई पूछ रहे हैं बछड़ी फॉर सेल है, नहीं फॉर सेल नहीं है उवैस भाई। उबैद भाई कह रहे हैं कि माशाल्लाह गुड वर्किंग, बहुत बहुत शुक्रिया उबैद भाई, और ये नाम मुझे समझ नहीं आ रहा LG पता नहीं करके कुछ लिखा हुआ है, माशाल्लाह नाइस वर्क, कीप वर्किंग हार्ड, बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं हाँ 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 मानी भाई, तो किस बात पे कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आया, तो मेरी हालत उस टाइम बुरी थी उस पर हंस रहे मानी भाई करके एक और यूसुफ अब्दुल्ला भाई ने कमेंट किया, तो मैंने उस पर रिप्लाई किया उनका, उनको रिप्लाई कुछ नहीं आया। बहरहाल MS करके है बंदा, उन्होंने कहा अल्लाह हम्माद भाई को, अच्छा उस टाइम में मैंने हम्माद भाई के लिए दुआ का कहा था, तो माशाल्लाह हम्माद भाई की जो है काफ़ी बेहतर है उनकी माशाल्लाह से। तो और दूसरा इन्होंने लिखा है कि नाइस वीडियो मानी भाई, यू आर सो सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमैर शाह कहते हैं मानी भाई काइंडली मुझे आसिम रहमानी भाई का, उनका मैंने नंबर उनको शेयर कर दिया था। ताहा भाई कहते हैं मानी भाई बकरा मिला जो चोरी हुआ, यार मेरे नहीं बकरा नहीं मिला। राव आबिद भाई माशाल्लाह मानी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आबिद भाई। मुश्तबा खान कहते हैं माशाल्लाह शुक्रिया सुबहानअल्लाह। हुमैर शाह कह रहे हैं अल्लाह पाक सेहत दे हम्माद भाई को, आमीन माशाल्लाह। मानी भाई जैटे कैटल पठान इन्होंने माशाल्लाह मानी भाई कहा है। शारिक फातिम कहते हैं फातिमी अल्लाह शिफा दे सेहत दे हम्माद भाई को और सब बीमारों को, आमीन सुम्मा आमीन। फैसल शेख कहते हैं भाई सेल के बकरे हैं तो बताएं, नहीं सर अभी नहीं है, सेल के बकरों के हवाले से बात बता देता हूँ कि इंशाल्लाह बकराईद से एक महीने पहले जो भी मेरे पास कुछ बकरे तैयार हो रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह इरादा है कि बकराईद से एक महीने पहले मैं सेल करूँ ताकि थोड़े और अच्छे हो जाएँ।
बाकी एक नाम कट गया है उनका, कमेंट है अस्सलाम वालेकुम, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बछड़ी जो ने इसकी परचेजिंग प्राइस, अच्छा बछड़ी जो है उसकी परचेजिंग प्राइस या अंदाजन प्राइस तो मुझे आइडिया नहीं है। यूसुफ अब्दुल्ला भाई का एक और मैसेज आया, मलिर मंडी की अपडेट दें ट्यूसडे को, तो मैंने दे दी थी, आप लोग ने देख ली होगी इंशाल्लाह, नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं, अच्छी वीडियो है वो भी काफ़ी। इरफान मेमन भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका ही बछड़ा है वो, बहुत शुक्रिया। जकी जकी भाई माशाल्लाह कह रहे हैं, रूसा खान कह रही माशाल्लाह, अब्दुल मोहित भाई का जो हमारे पास बकरा पल रहा है वो भी कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे, बहुत शुक्रिया अब्दुल मोहित भाई। तला नासिर अल्लाह बरकत दे और नज़र बद से बचाए, आमीन सुम आमीन जज़ाकल्ला। इमरान खान भाई कहते हैं माशाल्लाह मानी भाई, बहुत शुक्रिया। SMA गेमिंग कहते हैं इज़ दिस योर फार्म, तो भाई आप कहाँ थे इससे पहले यार, बहुत बहुत देर कर दी आने में आपने सर। फराज अहमद भाई कहते हैं यू मेड दिस वीडियो आफ्टर मैनी डेज, सॉरी फराज भाई क्या करें यार, अब ये एक ही वाली वीडियो देखे एक हफ़्ते में वापस बना ली मैंने। ग़ुलाम रसूल माहर मानी मुझे कोई बछड़ा दिलवाएं मुनासिब, तो आजकल कुछ भी मुनासिब नहीं है भाई, खैर देख लें वीडियोज़ देखते रहे, मेरी बहुत सारे अभी मार्केटिंग के हवाले से वैसे ही आ रहा है। कराची ऑलराउंडर भाई ये भाई हमसे मिले थे डेल्फा में, अस्सलाम वालेकुम आनी भाई, फार्म एड्रेस, तो फार्म एड्रेस भाई गडाब टाउन है, सोले मोहम्मद जुमानी गोट है ये, और आप अगर म्यांमार की बैक साइड से आएंगे ना गबोल गोट से, तो वहाँ से सीधा रास्ता ये बाईपास आता है, बाईपास से सीधा ही जो है ना ये मेरे फार्म की तरफ तक आ रहा है रास्ता। वाइड वाली बछड़ी सेल करने के लिए नहीं भाई, अच्छा अब ये जिपलर TNT करके नाम है कुछ, माशाल्लाह जनाब आपका नंबर क्या है, वही बात वो मैंने पूछा भी था उनसे क्या काम है, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल काम है, जानवर के बारे में बात करनी है, तो क्या बात करनी है आप कमेंट कर सकते हैं। शाज़ेन कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल राफे भाई कह रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा सैयद मोहम्मद, ये काफ़ी जो है ना मेरे पे कमेंट करते रहते हैं, बहुत अच्छे हैं ये भी, अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाए हमाद भाई को, आमीन सुम आमीन। बाकी एक नाम कट गया माशाल्लाह जनाब आपका नंबर क्या है, वही बात, अच्छा ये मैंने जिनको बता दिया। रफ़ीक कलर भाई कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मानी भाई, कीप इट अप, बहुत शुक्रिया सर। 7 तारिक भाई कह रहे हैं भाई ये बछड़ा अपने कितने का लिया था मलिर मंडी से, तो भाई मैंने वो वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने बताया भी था कि बाय जो है ना वो 72 में किया था, 75 यहाँ फार्म ला के मुझे पड़ा था, 3000 मैंने किराया दिया था, लेकिन वो अब 2 महीने से ऊपर, 2 महीने खैर हो गए, अब उस पर खिलाई पिलाई भी हो गई, काफ़ी लोग अब अंदाज़ा लगाने लग जाएंगे यार ये कितने का पड़ रहा है, तो वो अंदाज़ा ना लगाएं क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं इस पर। अली काजिम भाई माशाल्लाह मानी भाई फार्म बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक और बरकत दे, आमीन सुम आमीन, और हमाद भाई को जल्द से जल्द शिफा सेहत अता फरमाएँ, बहुत शुक्रिया, आमीन सुम आमीन। अच्छा माशाल्लाह अल्लाह पाक मुबारक करे आप, आपका सेटअप, वो कहना चाह रहा हूँ। सत्तार बलोच भाई बहुत शुक्रिया, फारूक भाई ने आग बनाई है, तो फारूक कादिर भाई बहुत शुक्रिया, मलिक काशिफ T2 पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ पूरा आगे, अल्लाह ताला सलामत रखे भाई, आमीन सुम आमीन। रफ़ीक कलर भाई का एक और कमेंट है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, शायद मैं वापस से हुई स्क्रीनशॉट आ गया। अच्छा मियाँ अकील माशाल्लाह ब्रो, थैंक यू ब्रो। असद खान कहते हैं अल्लाह पाक हमाद भाई और उनकी फैमिली को सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। निशान नसीर भाई कहते हैं बकरी की पलाई के पर मंथ क्या चार्जेस हैं ये बता देना, मैं आपके पास रखना चाह रहा हूँ। बकरी पूछ रहे हैं तो बकरी की साल फिलहाल तो भाई 4000 रुपये एक फिक्स अमाउंट है, लेकिन अभी तो इस साल कुछ भी जगह नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए जगह नहीं है, बकरी ना बकरा ना कुछ। अब्दुल कादिर भाई कह रहे हैं अल्लाह हमाद भाई को और सब पे अपनी रहमत फरमाए, आमीन। मुनीम नासिर भाई कह रहे हैं माशाल्लाह जज़ाकल्ला भाई। असद खान भाई कह रहे हैं माशाल्लाह मलिर वाला गोल हो रहा है माशाल्लाह से, जज़ाकल्ला भाई आमीन, अल्लाह पाक सेहत दे। और इमरान अहमद भाई कह रहे हैं माशाल्लाह यार मानी भाई कहाँ शॉर्ट हो जाते हो आप भाई, वीक में कम से कम 2 से 3 वीडियो तो अपलोड करें। इमरान भाई काम जो है ना वो ज़रा ज़्यादा होते हैं आजकल, फार्म के भी और दूसरे घर वगैरह, और फिर आजकल वीडियोज़ वगैरह के हवाले से भी मामला चल रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आगे। मुख्तियार खान भाई कह रहे हैं वैक्सीनेशन कौन सी करनी चाहिए और किस तरीके से, भाई मेरे चैनल पे मेरे ख्याल में तकरीबन अच्छी खासी वीडियोस इस हवाले से मौजूद है, कभी किसी दिन विज़िट करें मेरे चैनल का। एलो एक्सपोजिशन कह रहे हैं मानी भाई कुछ सस्ते बछड़े हैं आपके पास, नहीं। अंसारी के मर्द कह रहे हैं ये छोटी कितने क्या हैं भाई,
कितने क्या हैं भाई, तो छोटी से मुराद मुझे समझ नहीं आई थी। अच्छा बाकी तला मलिक भाई कह रहे हैं माशाल्लाह, मानी भाई आपने कहा था कि दाना पर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं ऐसा करता हूँ ना कि दाने के हवाले से इस वीडियो के आखिर में बताता हूँ आप लोगों को जो दाने के हवाले से देखना चाह रहे हैं। वैसे और भी कुछ है मैं इंशाल्लाह वही बताता हूँ कि क्या कहाँ से मैंने क्या कर रहा हूँ वही बताता हूँ इंशाल्लाह। सलमान खान भाई कह रहे हैं, ये भी काफ़ी कमेंट करते हैं, बहुत काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया है सलमान भाई का। माशाल्लाह मानी भाई बड़ी खुशी हुई, काफ़ी टाइम बाद आपने फार्म दिखाया, माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ हो रही है सब जानवर की। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, अल्लाह कारोबार में बरकत है, आमीन सुमी जजाकल्ला भाई। काशिफ रईस भाई हमारे एक सर आएंगे। यस मानी अम्माद भाई की वीडियो भी बहुत अच्छी और मेहनत से बनी होती है, गुड इन्फॉर्मेशन की बिडअप। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। फाजिल कामरान भाई कह रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त माई नाइस वीडियो, बहुत शुक्रिया। यूसुफ मंसूर भाई कह रहे हैं मानी भाई मुझे बछिया लेनी है, अगर आपके पास है तो कोई बताओ सेल के लिए। नहीं दोस्त नहीं अभी। अमन जान कह रहे हैं माशाल्लाह भाई बहुत शुक्रिया। बासित अली कह रहे हैं भाई जी आप तो इस बकरे की किसी सज्जी भी बना के खाली होगी। मेरे ख्याल में ये कहना चाह रहे हैं अब तक तो किसी बकरे की सज्जी बना के भी खाली होगी। नहीं भाई क्यों खाऊंगा भाई। अच्छा अली खाजिम भाई कह रहे हैं मानी भाई एक बात पूछनी है, आपने जो बछड़ा लिया है मलीर मंडी से वो सेल करने का है क्या? बिल्कुल है सेल करने का, लेकिन अभी नहीं, तकरीबन इरादा है 2 महीना और इसको इंशाल्लाह और मेहनत करके और अच्छा करने की, फिर इंशाल्लाह देखें क्या इरादा बनता है। अरम बेग भाई ये आपका फार्म हाउस है? जी बिल्कुल भाई। अरम बेग भाई कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। यूसुफ मंसूर भाई का सलाम है, वालेकुम सलाम। MD रिडोई ये पता नहीं क्या नाम है, बहरहाल ये 3 दिल हर कमेंट हर वीडियो के कमेंट में इनके यही आता है 3 दिल बस। अनस समेगा मेरी जान जजाकल्ला मेरे भाई माशाल्लाह का आपने। जुबैर शेख भाई बहुत शुक्रिया माशाल्लाह आपने कहा। इब्तिसाम अशफाक भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके फार्म की वीडियो देखकर, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है बकरों की, कराची बेस्ट गोट फार्म। नहीं भाई ये मेरे इस फार्म के हवाले से आपने कहा कराची बेस्ट गोट फार्म, ऐसी तो कोई बात नहीं है मेरे से, मेरा तो फिर भी कुछ भी नहीं है। खैर बहरहाल बहुत शुक्रिया इस हवाले से भी। शारिक काशिफ भाई कहते हैं अल्लाह पाक हमाद भाई को शिफा दे, आमीन। बेस्ट कुकिंग ट्यूटोरियल कह रहे हैं एनिमल आर ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया। उसामा आजम भाई कह रहे हैं प्रिंस ओ सॉरी 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 प्राइस क्या है जो सेल का है प्लीज़ रिप्लाई, तो सेल के लिए तो कुछ है नहीं। अच्छा गेमिंग विद एम कह रहे हैं लाइव स्टॉक एक्सपो कहाँ है भाई? लाइव स्टॉक एक्सपो अपने काम पे बिज़ी होते हैं भाई, वो हमारी तरह फारिग नहीं है यार, बड़े बिज़ी आदमी हैं वो। फजल अहमद भाई कह रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह पाक आपका काम में आपके काम में और बरकत दे, आमीन। अल्लाह पाक हमाद भाई को भी जल्द सेहत याब करे, आमीन। अच्छा इनका और भी कुछ नीचे है वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ नहीं है। अच्छा शारिक भाई का एक और, शारिक काशिफ भाई शायद इन्होंने कहा मानी भाई मलीर मंडी का विज़िट करें, कर लिया था भाई, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस रमज़ान में भी करने की कोशिश करूँगा। स्मार्ट गोट फार्म कराची कह रहे हैं माशाल्लाह जजाकल्ला। अमजद हुसैन कह रहे हैं माशाल्लाह जजाकल्ला सर। अब्दुलरहमान फारूकी कह रहे हैं माशाल्लाह जजाकल्ला। जुनेद अहमद भाई कह रहे हैं माशाल्लाह मानी भाई एंड कर दिया, मलीर वाला बच्चा बहुत ज़बरदस्त रेडी हो रहा है, बहुत मोहब्बत सर आपकी जुनेद भाई। सईदा अरसला कह रही है गेना बछड़ा प्राइस तो सेल का नहीं है पलाई पर है। इरफान खान कह रहे हैं माशाल्लाह भाई जजाकल्ला। इरफान खान का एक और कमेंट है अल्लाह पाक हमाद भाई को शेयर सेहत दे, आमीन। इरफान खान भाई का एक और है और अल्लाह पाक आपको भी अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया दोस्त। अच्छा बछड़ों का फार्म माशाल्लाह जजाकल्ला सर। मुजम्मिल शाह करके कुछ है नाम, माशाल्लाह करा है उन्होंने भी जजाकल्ला। MD समीरुद्दीन जरीगर आप हिंदुस्तान को भेज सकते हैं? कहाँ से भेज दूँ यार। अच्छा जी राशिद अबरू कह रहे हैं नाइस ब्यूटीफुल फार्मिंग, बहुत शुक्रिया। क्या बात है मानी भाई मेरा बछड़ा पाल लें, यार आप कौन है सबसे पहले तो मुझे बताएं, मैंने आपसे पूछा भी था फिर आपने कहा कि पता नहीं। अच्छा एक और कमेंट आपका भाई मेरा जानवर पाल लो प्लीज़, आई एम नॉट हैप्पी विद माई बुल्स प्रोग्रेस, नामी ग्रामी फार्म में पल रहा है मगर ग्रोथ नहीं है, प्लीज़ रख लें मेरा। आपके आगे कुछ कमेंट है लेकिन खैर मैंने उनको रिप्लाई किया था यार, बहुत माजरत सर आपको, और अभी बिल्कुल स्पेस का इशू बहुत ज़्यादा हुआ है। MK खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम सलाम।
इब्राहिम मोहम्मद कह रहे हैं अल्लाह हम्माद भाई को सेहत याब दे, अमीन। मोहम्मद अलीम अलीम कह रहे हैं माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। कादिर दादा कह रहे हैं माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह भाई। माज आमिर भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सरसों का तेल एक बछड़े को कितना देना होता है और कितने दिन? भाई बकराई तक देते रहे आप जब तक गर्मी है, और 100 ml से लेके आप उसको और ऊपर तक ले जा सकते हैं, वो आप पे बात है। मोहम्मद असफर कह रहे हैं मानी भाई ये जगह आपने परचेज की है या रेंट पे दी हो? तो मैंने कमेंट बता दी कि रेंट पे हूँ मैं 1000 का। हम्माद सैयद भाई कह रहे हैं मानी भाई बछड़े और बकरे दोनों बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हम्माद भाई। टाइगर जिंदा है, नथ डाल दो उसके सेट हो जाएगा। अच्छा ये उसका कह रहे हैं जब मैंने बछड़े रखा था कि ये थोड़ा सा खुन्नस रहता है और थोड़ा ना गुस्से में रहता है, तो ये उसका कह रहा है यार नथ जो है ना वो नथ पे जानवर अच्छा नहीं वैसे पहनता। अच्छा मरिया मनीक कह रही हैं अल्लाह पाक हम्माद भाई को सेहत दे, अमीन। अब्दुल समद कह रहे हैं अल्लाह ताला आपको और कामयाब करें और हम्माद भाई और इनकी फैमिली को सेहतियाब करें, अमीन। जज़ाकअल्लाह अमीन। नबील पठान कह रहे हैं भाई ये मलिर वाला जो हैं सेल करना है तो बताओ भाई, नंबर ये मेरा है तो भाई नहीं करना भी सेल, आपका नंबर मिलेगा, मैंने आपको जवाब दे दिया। काम क्या है मार्केटिंग के हवाले से तो मैंने बता दिया। साकिब भट्टी भाई कह रहे हैं वेर इज़ योर फार्म गडाप में, मैंने अभी बताया। रोहान सैयद भाई कह रहे हैं माशाल्लाह मानी भाई अमेजिंग जज़ाकअल्लाह भाई। वसीम रजा भाई कह रहे हैं भाई रेट क्या है, मुझे लेना है बछड़ा, अभी कोई सेल के लिए नहीं है। मुइन जावेद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आप बछड़ी को किस तरह तैयार करते हैं, जिस तरह बछड़े को तैयार कर रहे हैं? जंग को मैं अभी वीडियो के एंड में बताऊँगा अभी क्या क्या खिला रहा हूँ इंशाल्लाह, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जंग को वाइटी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, अपना ख्याल रखो और अपने जानवरों का ख़ास तौर पर, क्योंकि अगर आप वो कोई बात बता रहे हैं कोई यहाँ के वाला इंशाल्लाह, पता नहीं उन्होंने क्या लिखा है चुपक का बड़ा, पता नहीं क्या है ये। बहरहाल अल्लाह पाक सबके माल की हिफाजत फरमाए भाई। प्रोफेसर SMH कह रहे हैं मानी सेठ एक मशवरा चाहिए आपसे, बोले भाई आपकी तरफ कमेंट में कर दें। और ये बलोच फार्मिंग वाले कह रहे हैं बेस्ट कोट फार्म है बलोच फार्म। सियालकोटी फॉर्मर भाई इनकी फीड कौन सी है? फीड मैं नहीं खिलाता, क्या खिलाते हैं आप इनको तो आप देखते रहें वीडियो में इंशाल्लाह बताता हूँ। अपनी डेरी ब्रो मुझे भी कोरोना हुआ है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें भाई, अल्लाह पाक आपको शिफा दें, आमीन। तला रहमान कह रहे हैं अल्लाह पाक हम्माद भाई को जल्दी से एहतियात करे। मानी भाई आपसे कांटेक्ट करना था, कांटेक्ट क्या करना है आपको, कांटेक्ट किस लिए करना है? सियालकोटी किंग कह रहे हैं अच्छा बकरा पीछे पड़ गया। सियालकोटी किंग कह रहे हैं गुड, बहुत शुक्रिया। सैयद जावेद अली कह रहे हैं माशाल्लाह भाई अल्लाह पाक नज़रबद से बचाए, आमीन जज़ाकअल्लाह। नबील पठान का एक और मैसेज है यार मानी भाई शौक है अच्छा बछड़ा बच्चा है मलिर वाला, लेकिन यार 65,000 रुपये में समझ आ रहा है, मुझे लेना है बच्चे लूँगा यार इस बछड़े से, ये नंबर है। अच्छा क्या लिखा है इन्होंने, ये नंबर है माशाल्लाह बहुत पसंद आया और इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह बच्चे बनाऊँगा, अगर मूड हो 65 में तो आ जाऊँगा लेने, नंबर है मेरा, दोबारा मैसेज कर रहा हूँ। तो कौन से वाले की बात कर रहे हैं सर आप? 65,000 में आपको कौन सा बछड़ा चाहिए? 65,000 का तो कोई बछड़ा ही नहीं है, 65,000 में मलिर वाले की बात कर रहे हैं, क्या बोलूँ मैं आपको सर। इस्माइल पत्नी कह रहे हैं माशाल्लाह भाई आप पलाई क्या लेते हो बछड़े की और बकरे की? तो बछड़ों की तो पलाई मैं कर ही नहीं रहा साफ बात है, जो ये जो तीन भी हैं अभी ना वो जिनके हैं तो यार वो ऐसे हैं जो भाइयों की तरह हैं तो इस वजह से रखे हुए, तो अभी फ़िलहाल पलाई के हवाले से उस पर कोई बात नहीं है, यानी बछड़ों की। बकरों की 4,500 पलाई है चल रही है हमारे यहाँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है मेरे लिए। तौसिफ मेंदाद मियादाद सॉरी भाई पलाई के क्या हिसाब है बकरे का मंथ और बछड़े का मंथ? वही जवाब है आपके लिए। फरिया कामरान कह रही है अस्सलाम वालेकुम भाई आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए, तो कॉन्टेक्ट नंबर तो ये एंड हुआ भाई। साथ साथ आप लोगों ने जो है वो बछड़ों की वीडियो बकरों की वीडियो देख ली, तो भाइयों सबसे पहले तो भाई सब का बहुत शुक्रिया, इस वीडियो पे इतना प्यार आया है और कमेंट्स लाइक्स भी काफ़ी आपने अच्छे भरपूर दिल खोल के दिए। ये जो मैंने आज जो वीडियो ऐसे बनाई है वो इस वजह से बनाई क्योंकि काफ़ी लोगों के सवालात ऐसे होते हैं कि सेम होते हैं तो वो जवाब दे दे के बंदा थक जाता है, तो अब उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको कुछ बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया होगा।
अच्छा दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया एक तो सबसे पहले वीडियो पूरी देखने के लिए, दूसरा ये कि मैंने शुरू में कहा कि मैं चारे के हवाले से आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा जो है वो इनपेक्ट किया है जिस पे रिज़ल्ट इतने माशाल्लाह अच्छे आए हैं। तो भाइयों, मेरी ये जो चैनल पे वीडियोस जो मैंने जा के बनाई थी आज से कोई 3 साल पहले, कोई 2 साल पहले बनाई होगी कोई कुछ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह लगा देता हूँ। तो वो वीडियो ही मैंने फॉलो की हैं, अपनी वीडियो जो मैंने जाके बनाई आप लोगों के लिए, तो उन्हीं ही वीडियो को फॉलो करते हुए मैंने ये चारा बनाया। उसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी यूँ करता हूँ मैं कि भूसे की जो है ना मैं अलग से देता हूँ, यानी जो पूरा चारा वंडा जो बनता है इनका वो उनको पूरा मिलता है। उसके अलावा जो भूसा होता है ना, भूसा जिसको कह लें या भूसा तूड़ी जिसको भी कह लें, वो मैं इनको दोपहर के टाइम पे देता हूँ। सुबह और रात में 12 घंटे के गैप से 2 टाइम का इनका ये वंडा है जो कि आप वीडियो में देखेंगे। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा, वही बात है, एक ही बात है, आप वीडियो देखेंगे उसमें कंप्लीट है। मैं इसलिए अभी वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि इनका चारे का टाइम है 9 से 10 बजे रात में, मैं तब तक यहाँ पे हूँ नहीं, सुबह में होता नहीं हूँ, तो मैं उसकी वजह से वो बना नहीं पाऊँ। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ यानी क्या क्या शामिल होता है उसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भाई कुत्तर है, सही है, फिर चने की अट्टी है और दलिया, गंदम का दलिया, ये 3 मेन चीज़ें हैं। उसके अलावा फिर चौकर है, छिलका है और खल भी, सॉरी मेन उसमें। तो मैं इन जो ये जो 7 जानवर है ना मेरे, इनका मैं चारा बनाता हूँ 1 मन कुत्तर में, पूरे 1 मन कुत्तर होती है उसमें इनका ये पूरा वंडा बनता है। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि और डिटेल में अपनी जो मकदार है उसकी डिटेल जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाकी अभी फ़िलहाल मैं आपको जो वीडियोस बता रहा हूँ, यकीन माने मैंने इन्हीं को फॉलो करते हुए ये काम किया है और बिल्कुल जो है ना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। मैं समझता हूँ कॉस्ट है जो बात है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा दूर होने की वजह से कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है, एक तो ये वजह भी है, दूसरा ये कि इसमें ऑर्गेनिक होने की वजह से कॉस्ट है क्योंकि फीड वगैरह कुछ है नहीं, तो कुछ भी ऐसा तो शामिल है नहीं कि भाई उल्ट पटांग चीज़ या कोई ऐसी जो सस्ती हो लेकिन जो है ना वो रिज़ल्ट दे रही हो लेकिन हो हार्मफुल इनके लिए, तो वो यूज़ नहीं कर रहा। जो मैंने बताई ये चीज़ें यही हैं। अच्छा, DCB मैं यूज़ करता हूँ बिल्कुल, बछड़ों में भी बकरों में भी DCB पाउडर जो कैल्शियम वगैरह के लिए, और चूरन थोड़े से के लिए होता है वो है, सरसों का तेल है, तो ये चीज़ें जो है ना वो अलग अपनी जगह लाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। कोशिश करूँगा कि आइंदा आपके जो और मज़ीद सवालात आएँगे तो उनका जवाब भी ऐसे डिटेल में मैं इंशाल्लाह दूँ किसी वीडियो में। और आप लोग बताइएगा कि वीडियो आज की जो है वो कैसी लगी आप लोगों को, और जानवर कैसे अब है, वैसे लास्ट उसमें भी दिखाया था लेकिन इतने डिटेल में नहीं दिखाए थे, आज जितनी डिटेल में आपने क्लिपिंग वगैरह देखी है, तो आप बताएंगे कि आप लोगों के कैसे लगे जानवर। और मेहनत जो है वो बिल्कुल ज़ोर और शोर से चल रही है मेरी, बस देखते हैं आगे क्या होता है इंशाल्लाह। तो दुआओं में बहुत बहुत रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।